हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब। तो मैं अपना ये किस्सा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट नेटवर्क, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो कौन से ऐसे सिम हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हो, और कौन से आपको खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए। बाकी आज के टाइम पे यार, वी ऑल आर सो मच कनेक्टेड कि अगर हमारे पास इंटरनेट आज के टाइम पे नहीं हो, स्पेशली व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रैवलिंग आज के टाइम पे नेसेसिटी हो गई है। तो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा ट्रैवलर्स हैं जिनको आज पता नहीं न्यूयॉर्क जाना है, कल सिंगापुर जाना है, परसों ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बिजनेस रिलेटेड जाना है या ट्रैवलिंग रिलेटेड जाना है, तो कोई भी कारण हो, ठीक है, आज के टाइम पे हर कोई ट्रैवल कर रहा है और हर किसी को नेटवर्क चाहिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से नेटवर्क चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आपके पास काफ़ी लोकल ऑप्शंस आती है, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि जब आप आओगे तो आप कौन सा सिम लो। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आया था तो मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पे जब तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा ना, वहाँ पे तुझको फ्री में फ़ोन मिलेंगे। तो फ्री में फ़ोन का मतलब मुझे लगा कि अच्छा भाई सही है कि सिम ले लो और फ्री में कोई भी फ़ोन मन करे उठा लो। तो मैंने क्या करा, आते ही अपना आईफोन ले लिया। मैंने कहा यार बढ़िया है यार, फ्री में मिल रहा है, आईफोन ले लेते हैं। तो सिम ये हुआ कि उस टाइम पे मुझको पता नहीं था, तो वो कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होगा, आप इसको साइन कर दो और जो आपका मन कर रहा है सैमसंग या ये आपने आईफोन लेना है या कोई भी और ब्रांड्स के आपने फ़ोन लेने हैं आप मुझे बता दो, हम आपको वो फ़ोन दे देंगे। तो भैया मुझे लगा बढ़िया यार, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया आई नहीं कि सीधा आईफोन मिल गया। तो मैं एजुकेशन वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आया था उस टाइम पे, तो मैंने ले लिया आईफोन। तो बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया कि हम आपसे हर महीने ये अमाउंट ऑफ बिल है ये चार्ज करेंगे, $30-45 पर मंथ, और जी ये है $100 आपके जो है फ़ोन के चार्जेस। तो यहाँ पे एक तरह से ये एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, और कह सकते हैं कि आप एक लॉक हो जाता है कि आप जब से आए हो और जब आपका वीज़ा एंड होने वाला है उतने टाइम के बीच में आपका ये प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिससे हर मंथ आपका कुछ अमाउंट कटता है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं और उन्हें नहीं पता कि फ्री में आईफोन नहीं मिलता यहाँ पर, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। बस ये होता है कि जब आप अपना फ़ोन का चार्ज पे कर रहे हो, लाइक जितना भी आपका बनता है मंथ का $35-45, तो उसके साथ ही आप अपने फ़ोन का बिल भी पे करते, तो इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ सिस्टम है जो काफ़ी कॉमन है, पर यहाँ पर फ्री में कुछ नहीं मिलता है। ऐसी ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो बात करते हैं लोकल सिम की। अगर आप यहाँ पे एज ट्रैवलर आ रहे हो फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, और जो भी किसी भी कारण, या बिजनेस ट्रिप के लिए आ रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो चॉइस है आपके पास कि जैसी आपकी फ्लाइट लैंड हुई है तो आप इंटरनेशनल टर्मिनल्स पे, वहीं पे आपको इनके काफ़ी कियोस्क मिल जाएंगे जहाँ से आप डायरेक्टली सिम ले सकते हो। तो जैसे ही आप लैंड होगे तो आपको वहाँ पे सिम वगैरह की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। मैंने ये गलती करी थी कि मैंने वेट किया था, मैंने सोचा था कि नहीं थोड़े टाइम बाहर जाऊँगा और फिर जाके देख दाख के तब सिम लूँगा। तो सीन ये हुआ कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, कि आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा सिम लेना है, कौन सा सिम लो, कौन सा बढ़िया रहता है और कहाँ मिलेगा। तो सिम की बात है, सबसे पहला आंसर तो मैंने आपको दे दिया कि आपको एयरपोर्ट पे ही जो बढ़िया ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट्स मिल जाएंगे। दूसरी गलती करी कि मैंने यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता होता ना कि फॉर एग्जाम्पल आप लैंड करें और आपको कोई रिसीव करने वाला ना हो, तो आप सीधा ये कर सकते हो कि वहीं से सिम लेके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो ऊबर, या यहाँ पे काफ़ी कैब सर्विस है तो वो आपको कंपैरेटिवली काफ़ी चीपर पड़ेगी। तो मेरे पास कोई सिम वगैरह था नहीं, ये नहीं पता था कहाँ से वो करना है, कौन सी ऊबर लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो भैया मैंने बाहर टैक्सी ड्राइवर खड़े थे तो उनको बोला कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, आप एड्रेस पे छोड़ दो। उन्होंने मुझसे डबल ट्रिपल चार्ज करा था उस छोटे से डिस्टेंस का। तो अगर आपको पता हो कि कौन सा सिम लेना है, कैसे ट्रैवल करना है, तभी मैं बोलता हूँ स्मार्ट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है आज के टाइम पे, क्योंकि होल वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। अगर आप एक स्मार्ट ट्रैवलर हो तो आप अपना पैसा भी बचाते हो, साथ के साथ अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचाते। बाद में आप अपने आप को ये नहीं कहते कि नहीं यार वहाँ पैसा बच सकता था, यार ये गलती शायद मैं नहीं करता।
तो हो सकता है कि मेरी इस वीडियो देख के आप ऐसी गलती ना करो जो मैंने करी अपने टाइम में। तो आप अपना सिम एयरपोर्ट से ले सकते हो। जो ये प्रीपेड सिम होते हैं, इनका बेनिफिट ये होता है कि आपने सेकंड्स में लिए जितने भी $10-25 ये चार्ज करेंगे, इनसे सिम लेके अपने उसमें डाला फ़ोन में, और ये आपके 10-15 मिनट में सिम एक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी इनका एक दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आपके दिमाग में हेडेक नहीं रहता यार कितना रोमिंग लगेगा, कितना ये लगेगा, कितना वो लगेगा, और पता लगे कि आपने लिया था जी सिम फ्री में और बाद में आपका अच्छा खासा बिल बन गया है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ पोस्टपेड से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, प्रीपेड ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली पोस्टपेड, क्योंकि उसका कुछ आइडिया नहीं होता यार मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या पता कितना बिल आ जाए, हमें पता नहीं कि रोमिंग कितनी लग रही है, क्या चार्जेस लग रहे हैं, हमने कर लिया अपना दिल्ली चंडीगढ़ फ़ोन और बाद में पता लग रहा है कि अच्छा खासा बिल बन गया है। तो इस कारण मैं कहता हूँ प्रीपेड आप देख दाख के सिम लो। तो सिम की बात करते हैं कि कौन से सिम ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेस्ट सिम जो ब्रांड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ब्रांड आता है ऑप्टस। ऑप्टस काफ़ी बढ़िया ब्रांड है। तो फिर हमारा नेक्स्ट ब्रांड आता है वोडाफोन। वोडाफोन भी काफ़ी रिनॉन ब्रांड है, इंडिया में भी काफ़ी लोग वोडाफोन यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं इनके प्लान्स के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि प्लान्स चेंज होते रहते हैं, बस आप खुद देख के प्लान ले लेना कि आपके लिए कौन सा प्लान सूट करता है, आप कितने दिन के लिए आए हो। ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान्स मिल जाएंगे लाइक फॉर मंथ, फॉर वीक, जो भी ये होता है आप अपना सिम उस हिसाब से ले सकते हो। तो हमारा अगला सिम आता है ऑस्ट्रेलियन पोस्ट। ऑस्ट्रेलियन पोस्ट से भी आप यहाँ पे सिम ले सकते हो, इसमें आपको काफ़ी चीपर रेट पे सिम मिल जाएंगे। अगर आप देख रहे हो कि आपको चीपर रेट पे सिम चाहिए कंपैरेटिवली वोडाफोन और ऑप्टस एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर कि हमें रोमिंग चाहिए ये वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इंटरनेट चाहिए, बाकी लोकल सिम चाहिए, तो आप यहाँ पे काफ़ी बेसिक कह सकते हैं कि सिम ले सकते हैं जो काफ़ी चीपर है। और उनमें से कुछ आते हैं LD आता है पहला, फिर TPG आता है, फिर वूलवर्थ आता है, फिर कोल्स आता है और LD जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारे ब्रांड्स हैं जहाँ से आप अपना सिम ले सकते हो, बहुत काफ़ी चीपर रेट पे आपको यहाँ पे इनमें सिम मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अपने अगले सिम्स के बारे में। तो हमारे अगले सिम आता है एमवे। एमवे के भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे सिम मिल जाएंगे। फिर एक जो बत्तख वाली काफ़ी ऐड देखी आपने या नहीं देखी पता नहीं, पर आज के टाइम पे डोडो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है आज के टाइम में मार्केट में है, इनके भी सिम काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलर्स इनका सिम लेना पसंद करते हैं। तो हमारा लास्ट आता है बूस्ट और कोगन सिम। ये भी ब्रांड्स है, वैसे बात करें ना आपके पास वैराइटीज ऑफ ब्रांड्स मिलेंगे, मतलब काफ़ी ऐसे ब्रांड मिलेंगे जो आपको बहुत चीपर रेट्स पे नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल दिस, पर वो आपको इंटरनेशनल कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं आपको टॉप क्वालिटी ब्रांड्स के बारे में, लाइक आ गया ऑप्टस आ गया, वोडाफोन आ गया, अपना टेलस्ट्रा आ गया, ये सारे जो कह सकते हैं कि ऐसे ब्रांड्स हैं लोकल ऑस्ट्रेलिया के जो काफ़ी अच्छे रेट्स पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। बाकी इनकी आपको सर्विस सेंटर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे, इसलिए कहता हूँ कि फाइनेस्ट ब्रांड है, जो रिनॉन ब्रांड है उनसे लोगे तो कल को आपको रिग्रेट करने की वो नहीं होगा कि भैया ये चीज़ नहीं चली, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे। तो ऐसे ब्रांड लो जिनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि और ब्रांड्स अच्छे नहीं हैं, पर ये आपको खुद देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको प्लान्स के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि हर किसी ब्रांड के प्लान्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। अभी कोविड के कारण ट्रैवलिंग कम है, इनबाउंड ट्रैवल रेट काफ़ी कह सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है और आउटबाउंड रेट काफ़ी डिक्रीज़ हो रहा है, इसके कारण इनके प्लान्स भी उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मार्केट को देख के ही कंपनी अपने प्लान्स लॉन्च करती है, तो आप इनके प्लान से एक बार देख लेना, कंपेयर कर लेना किसका आपको बढ़िया मिल रहा है जब बॉर्डर्स ओपन होंगे। तो बात करते हैं हमारे पास दूसरे ऑप्शंस कौन से आते हैं। तो यार हमारे पास ना कई तरह के ऑप्शन आते हैं, लाइक होते हैं कि एक तो पहले आप जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ के लोकल ब्रांड्स के सिम ले लो, तो वो भी एक चीपर ऑप्शन होता है, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जो ऑफ्टनली ट्रैवल करते हैं, जिनका ये है कि भैया आज सिंगापुर, कल मेलबर्न, परसों ब्रिस्बेन और फिर मतलब न्यूयॉर्क, मतलब कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको मिलेनियल ट्रैवल भी कहते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी कहते हैं। तो इनके लिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं इंटरनेशनल सिम। इंटरनेशनल सिम का ये होता है कि ये आपको एक US का नंबर या UK का नंबर या आपको ये अलग अलग नंबर कंट्रीज के नंबर दे देंगे, पर ये एक नंबर होता है जो हर कंट्री में वैलिड होता है।
मतलब 200-300 कंट्रीज में इनका प्रॉपर कनेक्शन होते हैं। तो आपको ये नहीं है कि हर जगह जाके आपको एक नया सिम लेना होगा, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो, आपका ये नहीं है ना कि आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो और आपको फिर अगले महीने फिर दूसरी कंट्री में जाना है। तो उस ये है कि आपने यहाँ पे आए हो वेकेशन के लिए, फिर आपने अपने इंडिया वापस जाना है, फिर कुछ महीने बाद ट्रैवल करना है या कुछ साल बाद ट्रैवल करना है, उन केसेस में आपको इंटरनेशनल सिम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो उसमें मत लेना। पर अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो, मिलेनियल ट्रैवलर हो, जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल सिम्स के बारे में आप सोचना, क्योंकि इन सिम्स की ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कंपेरेटिवली टू दिस सिम्स। एंड सीन ये होता है कि इनका हमारे पास ये होता है कि आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है, ये प्रीपेड पोस्टपेड दोनों मिल देंगे आपको, डिपेंड करता है कौन सा सिम ले रहे हो, पर मैं कुछ नाम ब्रांड्स के आपके आगे लेने वाला हूँ, तो आप देख लेना इनकी सर्विसेज कैसी है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कौन सा सिम अभी तक यूज़ करा है, इंटरनेशनल सिम करा है तो वो बताओ, और लोकल सिम करा है आपने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी तो वो बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो कौन सा सिम आपको बढ़िया लगा। तो इंटरनेशनल सिम्स के बारे में बात करते हैं, तो इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें हमारा वर्ल्ड सिम, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा वन सिम, हमारा तीसरा ऑप्शन आता है ट्रैवल सिम, हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है गो सिम, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज कीप गो, एंड सिक्स ऑप्शन इज गिग स्काई, और लास्ट ऑप्शन इज नाउ रोमिंग। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल सिम ब्रांड्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात करा है, इनके प्लान्स आप देख लेना अगर आप यहाँ पे कोई प्लान्स देख रहे हो, तो ये करंट प्लान्स है, हो सकता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ये प्लान उस टाइम पे वैलिड ना हो, क्योंकि कंपनीज अपने प्लान चेंज करती रहती है। इन सब कंपनीज के ऑफिशियल लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके देखो इनकी ऑफिशियल साइट पे कि ये किस रेट पे कौन सा सिम दे रहे हैं, कौन सा प्लान आपके अकॉर्डिंग फिट बैठता है, आपकी ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। और ये हो सकता है कि कई बार काफ़ी बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, पर हमें थोड़ा सा ना कंपेयर करना पड़ता है, तो आप कंपेयर करके देख लेना। वैसे जो टॉप ब्रांड्स हैं जो लोकल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, जब आप ट्रैवल करोगे तो ये वीडियो आपके काम आए, और आप एक अच्छी ट्रैवलिंग करो, जो मैंने गलती करी आप वो गलती ना करो। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे आओगे आपको वहाँ से इन सब के आउटलेट्स मिल जाएंगे, इन सब के कियोस्क होंगे, वोडाफोन, ऑप्टस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके ना हो, आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा जब आप डिपार्चर टर्मिनल पे होगे या अराइवल पे, वहाँ पे इनसे पूछ लो कि ये सिम चाहिए हमें। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करोगे सिडनी एयरपोर्ट पे या ऑस्ट्रेलिया में किसी भी एयरपोर्ट पे, तो आपको इन सब के कियोस्क मिल जाएंगे, वहाँ से आप सिम ले सकते हो। हो सकता है कि ये सिम परचेज करते टाइम आपकी फ़ोटो आईडी मांगे, तो अपनी फ़ोटो आईडी पासपोर्ट अपने साथ हैंडी रखना जब आप सिम ले रहे हो, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 99% चांसेस है दे आर गोइंग टू आस्क, कोई भी आपको विदाउट आईडी सिम नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, आपको पता लग गया होगा कि कौन सा सिम ले और आप कैसे एक स्मार्ट ट्रैवलर बन सकते हो, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। आज का वो टाइम नहीं रहा कि हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, हमें ट्रैवलिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे आप आईटी सेक्टर से हो या किसी भी सेक्टर से हो, ट्रैवलिंग आज के टाइम पे नेसेसिटी है। और स्मार्ट ट्रैवलर होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप पैसा सेव कर सकते हो, आप टाइम बचा सकते हो, और बाद में रिग्रेट नहीं करोगे यार कि यार शायद मैंने अमिदैया की वीडियो देख ली होती तो मैं ये गलती नहीं करता। तो गलती मत करो, मेरा एम वीडियो बनाने का ये है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ वो गलती आप ना करो, जो मुझे नया सीखने को मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, नई लोकेशंस दिखा सकूँ, साथ के साथ हम सब ग्रो हो, एक अच्छे ट्रैवलर्स बने, लाइफ में ग्रो हो और सबको तरक्की मिले। अगर आपको मेरी आज की मेहनत, आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल जेनेक्स ट्रैवल ट्यूब।